be the plan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the plan, that's what they call me. स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल रिपेयर एट टू जेड में। तो आज हम बात करने वाले हैं एडीबीएन फास्ट बूट ड्राइवर के बारे में। तो देख सकते हो मेरे सामने दो फाइल पड़ी है और यहाँ पे मैंने डिवाइस मैनेजर खोल रखा है। देख सकते हो मेरा एडीबी जो ड्राइवर शो कर रहा है जो कि फिलहाल इंस्टॉल नहीं है, इसलिए येलो कलर में शो कर रहा है। तो ये दोनों फाइल को पहले हम यहाँ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं बता दूँ आपको, मैनुअल तरीका बता रहा हूँ एडीबीएन फास्ट बूट ड्राइवर इंस्टॉल करने का, वो भी एकदम फुल्ली वर्क वाला। देख सकते हो दोनों फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो एक बार फिर से डिवाइस मैनेजर ओपन कर देता हूँ मैं। तो देख सकते हो यहाँ पर अभी भी एडीबी इंटरफेस दिखा रहा है येलो कलर के साथ, क्योंकि अभी ड्राइवर जो इंस्टॉल नहीं हुआ है। अगर आपके डिवाइस में ऑटोमेटिकली वाला इंस्टॉल हो जाता है तो अच्छा बात है, अगर नहीं होता है तो इस मेथड को ट्राई करना। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने एक बार यूएसबी हटा के फिर से इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे अभी भी ड्राइवर नहीं ले रहा है क्योंकि इस पर इंस्टॉल है ही नहीं। चलिए हम इसे अपडेट करते हैं। तो राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर करना है, ब्राउज माई कंप्यूटर लेट पिक, उसके बाद शो ऑल डिवाइसेस करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, यहाँ से हैव डिस्क, उसके बाद ब्राउज करना है और अपना ड्राइवर को ढूंढना है कहाँ पे रखा। तो मैं डेस्कटॉप पे यहाँ रखा हूँ, देख सकते हो यूएसबी ड्राइवर 12, तो इसे ओपन करना है और एंड्रॉयड विन यूएसबी इसे ओपन करना है। तो यहाँ पे तीन फाइल मिलेंगे, पहला है एडीबी का, दूसरा है फास्ट बूट मोड का, तीसरा है रिकवरी मोड का। हम अभी एडीबी मोड पे है, हम फर्स्ट वाले को चूज़ करके नेक्स्ट करेंगे और यस कर देना है। तो देख सकते हो ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है और ये सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है। तो देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर पे जो नीचे था एडीबी अब वो ऊपर चला गया है और वो उसका येलो कलर भी गायब हो गया है, क्योंकि अब ड्राइवर जो है परफेक्ट इस पर इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए हम अपना प्लेटफॉर्म टूल ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ड्राइवर काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमको राइट क्लिक करना है शिफ्ट के साथ और ऑन विंडो करना है। यहाँ पे टाइप करेंगे एडीबी डिवाइसेस, टाइप कर देता हूँ फास्ट बूट टाइप करो था एडीबी डिवाइसेस, उसके बाद इंटर कर देना है। देख सकते हो यहाँ पे मेरा डिवाइस जो है शो करने लग गया है एडीबी का। तो चलिए अब फास्ट बूट ड्राइवर को जो है इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ मैं एडीबी रिबूट टू बूट लोडर। टाइप करने के बाद इंटर दबा देना है। तो मेरा डिवाइस जो है फास्ट बूट मोड में चला गया है। तो देख सकते हो डिवाइस मैनेजर में चेंजेस हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हो फास्ट बूट गैजेट नाम से एक अदर डिवाइसेस पे शो कर रहा है। तो ये हमारा फास्ट बूट ड्राइवर है, देखिए मैं यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो मैंने फास्ट बूट डिवाइस टाइप किया, यहाँ कुछ भी शो नहीं किया। तो यहाँ पे हम फास्ट बूट गैजेट ड्राइवर अपडेट करेंगे। तो इस पे फास्ट बूट गैजेट पे हम राइट क्लिक करेंगे, अपडेट ड्राइवर करेंगे, ब्राउज माई कंप्यूटर लेट्स मी पिक, उसके बाद शो ऑल डिवाइस पे टिक करके नेक्स्ट, उसके बाद हैव डिस्क करना है, अपना उसी ड्राइवर को फिर से ढूंढना है डेस्कटॉप पे जिसे हमने रखा है और इसके बाद हमें एंड्रॉयड विन यूएसबी को ओपन करना है, ओके कर देना है। तो देख सकते हो इन में से हम बीच वाला कर लेंगे क्योंकि बीच वाला जो है फास्ट बूट का है। तो उसके बाद फिर से यस कर देना है और ये देख सकते हो विंडो है सक्सेसफुली अपडेटेड ड्राइवर। देख सकते हो ऊपर पे ये एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस आ चुका है। तो चलिए सीएमडी में एक बार फिर से चेक कर दें, फास्ट बूट डिवाइसेस, उसके बाद इंटर। देख सकते हो यहाँ पे फास्ट बूट का ड्राइवर जो शो कर रहा है। दोस्तों इस तरीके से आप अपना फास्ट बूट और एडीबी का ड्राइवर जो है कम्प्लीटली परफेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। इस पे एक और है जो है तीसरा नंबर पे ड्राइवर है, जो दोस्तों पहले पे एडीबी, दूसरा पे फास्ट बूट और तीसरे पे जो ड्राइवर है वो रिकवरी मोड के लिए है। तो मैं अपना डिवाइस को एक बार रिकवरी मोड पे डाल के चेक करके दिखा देता हूँ, उससे भी अभी ड्राइवर शो नहीं करेगा।
तो देख सकते हो यहाँ पे एडीबी इंटरफेस, तो ये जो उसके तीसरे नंबर का ड्राइवर था वो इसके लिए है, या अगर आपका मोबाइल रिकवरी मोड पे कनेक्ट हो तो उसका एडीबी काम करे। तो इसको भी सेम वैसे ही हमें अपडेट करना है। लॉस्ट माई कंप्यूटर, लेट्स मी पिक, उसके बाद ऑल डिवाइसेस, नेक्स्ट करना है, फिर हैव अ डिस्क करना है, अपना ड्राइवर फोल्डर डिटेक्ट करना है, तो यहाँ से हमको विन यूएसबी सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओपन, फिर ओके। देख सकते हो यहाँ पे तीनों फाइल में, उसमें नीचे वाला यूज़ करेंगे हम, और फिर यस, और ये सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना जो डीवीआर फास्ट बूट ड्राइवर है उसे मैन्युअली अपडेट कर सकते हो, वो भी फुली फिक्स। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस टॉपिक के वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। No, no, no.